पढ़ा चुके हैं। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभी देखिए अभी रात को ग्राम पकवाईनार है और रात को वहाँ से सूचना काल आया है कि एक इंडियन रॉक पाइथन है जो देखा अभी हम लोग हाईवे पर हैं, यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर वो सांप है। दोस्तों ये हाईवे है और एक हाईवे क्रॉस करके एकदम हाईवे को जो डिवाइडर होता है वो डिवाइडर पर जाके बैठा हुआ है। दोस्तों सांप अभी बहुत खतरे में है, सांप को कभी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों समय ना गवाते हुए आप हमारे वीडियो के अंदर बने रहिएगा और चलिए उसको मैं पकड़ के दिखाता हूँ क्या है और क्या नहीं है। आप हमारे वीडियो के अंदर जरूर बनेगा, आइए। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इंडियन रॉक पाइथन है और दोस्तों आप लोग देखिए चार तरफ हाईवे है और हाईवे के बीच में जो डिवाइडर होता है उसी के ऊपर मतलब बैठा हुआ है। और दोस्तों ऐसे में किसी भी कोई भी अनहोनी एकदम हो सकता है, ये मर भी सकता है क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। आप दिखा दीजिए एक बार, तभी से ये बैठा है। कहाँ से मतलब ये भैया तनी बढ़िया बोरा मंगाइए ना, जो फटा मुड़िया पैसे तब तो बाहर आ जाएगा। तनी बढ़िया बोरा मंगा ले, ज्यादा खराब बोरी चाहिए। हाँ सूती में जाओ, उसमें निकालने बोरी पड़ी है। अरे जाओ ना, जाओ ना, प्लास्टिक की है इसी में, चेक इसमें ऑक्सीजन मिलता रहता है, इसमें साफ सुथरी नहीं है। अगर इसका बहुत है इसमें तो इसके जबड़े में बहुत ताकत होता है, एक बाइट करेगा पूरा फाड़ देगा, खाओ बहुत खाओ देता है। और तभी से मतलब नहीं आता है, नहीं जाने था तभी से ही है, फटा नहीं है, फटा नहीं है, बस बस नहीं हो रही है भैया। इसके हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं क्योंकि ये हाईवे है, किसी भी गाड़ी के नीचे आ सकता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें जहर तो नहीं होता है लेकिन बाइट करेगा तो बहुत खतरनाक घाव घाव बनेगा। चलिए इसको लेकर पहले किनारे चलते हैं, ठीक है? आप लोग देख लीजिए, पकड़ लीजिए। अरे शांत कर लीजिए, पोजीशन अभी आने दीजिए क्योंकि नीचे दोस्तों ये बाइट करे वो करता है तो अच्छा खासा दर्द देता है और कोई बात नहीं है, लेकिन देखते इसमें जहर बिल्कुल भी जहर नहीं होता है, एकदम नॉन वेन वहाँ से। तो पकड़ा चुका है तो इसको पेड़ पसा देते हैं। दोस्तों देखिए इसका रेस्क्यू हो चुका है और ये रॉक पाइथन है, देखिए हाईवे अच्छा चारों तरफ। आइए आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं आएंगे। अरे बोरा बोरा फैला पूरा 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 कहाँ है, कोई जगह नहीं खिला। ठीक है ठीक है, मंडी में डरो मत, डरो मत, डरने की बात नहीं है। चलिए छोड़ आप, छोड़ नहीं है आप, छोड़ सकते हैं। मैं खुद का है आज, चलो इसको पुनर्वास के लिए हम इसको जंगल में रिलीज कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर रोड क्रॉस करता तो गारंटी किसी गाड़ी नीचे आता है। पक्का पक्का पक्का, कैसे मतलब उस पास आया है? धागा होगा, मिल के मिला, धागा हो गया हो गया हो गया हो गया, इसका हो चुका है सफल रेस्क्यू। चलो ठीक है, इसका देखिए सफल इसको हो चुका है, अब चलिए इसको इसी समय लेकर जंगल में हम लोग को चलते हैं इसको रिस्क करने के लिए। चलिए दोस्तों ठीक है, आइए। जैसे कि आपने सब देखा ही है उस हाईवे के डिवाइडर पर, और दोस्तों वो फोर लेन था हाईवे है, और दोस्तों वो सांप एक
मतलब रोड क्रॉस करके आ गया था, तो बीच में पौधा लगा था तो उसी के ऊपर बैठा था, आप लोगों ने वीडियो में दिखाई है। तो दोस्तों वो सांप बहुत ही खतरनाक था क्योंकि वो रात बिरात कभी भी रोड जरूर क्रॉस करता, और रोड क्रॉस करता तो उसके ऊपर से कोई भी गाड़ी चढ़ सकती थी, कोई अनहोनी भी हो सकता था, सांप भी मर सकता था और एक्सीडेंट भी मतलब हो सकता था। तो दोस्तों जो जैसे ही कुछ अच्छे वहाँ के इंसान थे कि उनकी जैसे ही उस पर मतलब उस सांप को उन्होंने देखा, तुरंत हम मेरे पास फ़ोन किया और मैं गया और आप देखें मैंने उसका रेस्क्यू भी किया। और रेस्क्यू करके उसी रात को देखिए फिलहाल हम जंगल में भी आ चुके हैं इसको रिलीज करने के लिए, ताकि इसमें वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके। तो ठीक है दोस्तों, समय ना गवाते हुए इसको हम लोग रिलीज, देखिए गांठ लगाए हैं, इसको पहले खोलते हैं। दोस्तों ये इंडियन रॉक पाइथन है, आइए लेकर चलते हैं। दोस्तों देखिए जंगल है, कंजास है, इसको देखिए सांप को बचाने के लिए कितना अंदर आना चल जा रहा है जंगल में। ठीक है दोस्तों, यही तरीके हम उम्मीद करते हैं, दिखाइए। दोस्तों देखिए ये बहुत ही भारी भरकम, बहुत दोस्तों बहुत भारी है, बहुत आप ये देख सकते हैं। देखिए अब किस तरह जंगल में धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों इसका शरीर भारी होने के कारण दोस्तों ये बहुत धीमी गति से चलता है, और दोस्तों ये बहुत ही भारी भरकम भी होता है। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे ये जंगल में चला ही जाएगा। दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे अब जंगल में खसकते हुए कहीं ना कहीं चला जाएगा। और दोस्तों मैं इसे बचाकर जंगल में तो ला कर छोड़ दिया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, चलिए।